ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शहर में झमाझम बारिश से सड़कें लबालब हो गई हैं, तालाब में तब्दील हो गई हैं। यही नहीं, झमाझम बारिश का पानी सड़कों पर भर गया है। नालियां चौक होने से बरसात का पानी सड़कों पर बहने लग गया। ललितपुर में भी बारिश से हाल बेहाल है। ग्रामीण क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं। महरौनी के पठा गांव में जामुनी नदी पर बना पुल पानी में तब्दील हो गया। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। खबर पीलीभीत से, यहां पर पूरनपुर और कली नगर तहसील क्षेत्र के गांव बाढ़ की चपेट में। बाढ़ से घिरे लोगों को खाने की दिक्कत हो रही है। कुछ इलाकों में ग्रामीणों को राहत सामग्री नहीं मिलने से नाराजगी है। देखिए, चंदिया हजारा में भी बाढ़ का पानी लोगों को परेशान कर रहा है। शारदा नदी उफान पर है, इससे लोगों के खेत में नदी समा रही है। प्रशासन अपने स्तर पर मदद कर रहा है। ताज नगरी आगरा में एक घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। नगर निगम की सारी व्यवस्थाएं फेल नजर आई हैं। जल जमाव के कारण जगह जगह जाम के हालात हैं। कई जगह सड़क और घरों के सामने खड़ी गाड़ियां पानी में डूबती नजर आई। महज कुछ घंटों की बारिश ने आगरा नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। शहर में जगह जगह जलभराव हो गया। आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, सिर्फ पानी पानी और पानी ही नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, जो लोग हैं उनकी गाड़ियां भी खराब हो रही हैं। लोग पैदल गाड़ी लेके आने पर मजबूर हैं। और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियां हैं, जलभराव के वजह से गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कह सकते हैं इतना जलभराव है ये। और कह सकते हैं, माता जी बताइए, गाड़ी फंसी हुई है भैया वहाँ पे। हमारे बच्चे की, बच्चों की MRI वगैरह उसमें गाड़ी में रखी है। बेटी भी खड़ी हुई है, मेरे हस्बैंड भी खड़े हुए वहाँ पे। किस वजह से फंसी हुई है? वो पानी में भर गई, पानी भराव के वजह से। यानी कि जो नगर निगम के दावे थे, जो नाले मानसून आने से पहले नाले सफाई के, लेकिन वह दावे अब फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। शिव कुमार, News18 आगरा। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में आए दिन दुर्लभ प्रजाति के जीव दिखाई देते हैं। आज दुर्लभ प्रजाति के बैंडिट कैरेट नाम का एक जहरीला सांप रिहायशी इलाके में नजर आया। इसका वीडियो बनाकर लोगों ने वायरल किया। बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इन सांपों की, सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। वन टीम के मुताबिक करीब 5 साल बाद ये सांप देखा गया है। लखनऊ से खबर, साल 2018 में हुई VDO परीक्षा के कैंडिडेट ने राजधानी में प्रदर्शन किया। रिजल्ट जारी करने को लेकर कैंडिडेट ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में पिकअप भवन के बाहर कैंडिडेट का प्रदर्शन, अनियमितता को लेकर ये परीक्षा रद्द हो गई थी। तो देखिए, लखनऊ से ये खबर कि साल 2018 में वीडियो परीक्षा के कैंडिडेट ने राजधानी में प्रदर्शन किया है। रिजल्ट जारी करने को लेकर कैंडिडेट का ये प्रदर्शन, पिकअप भवन के बाहर कैंडिडेट ने प्रदर्शन किया, अनियमितता को लेकर ये परीक्षा रद्द हो गई थी। और पौड़ी में यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दुगड्डा में पहाड़ियों में बसा आमसौड़ इलाका पलायन की कगार पर पहुंच गया है। बादल फटने की घटनाएं होने के बाद ग्रामीण डरे हुए हैं। इस बरसात में आमसौड़ के सामने ही पहाड़ी में भारी भूस्खलन हुआ। इससे पूरे गांव में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। भूस्खलन के साथ आए मलबे में कई मकान दब गए। ग्रामीणों को रातों रात अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। अभी तक दर्जन से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं, जबकि खतरा टला नहीं है। सब पहाड़ टूट रखा है, सब पहाड़ बर्बादी हो गई, सब चारों तरफ, उधर भी इधर भी चारों तरफ टूट रखा है, इधर भी टूट गया, चारों तरफ सब बेकार हो गया है। सब मतलब खेती सब बर्बाद हो गई, सब चीज, सब खेत वेत सब खत्म हो गए। अरे मकान छोड़े भी जगह हम दूसरों घर रहे हैं, ये छोड़े भी हम फिर दूर दूसरों घर से ना कौन जाना। एक पर भी लोग होना चाहिए, एक पर भी खतरा चाहिए जन बंडे पर खान, तो फिर हो रहा चल रहा हम से ना। अब फिर सुबह उठे कमा पर घर आना था।
कानपुर में मुहर्रम के जुलूस में शामिल शरारती तत्वों ने विवादित नारे लगाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सिर तन से जुदा के नारे लगाते लोग नजर आ रखे हैं। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमा हरकत में आ गया। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है और एडिशनल CP हरीश चंद ने मामले की जाँच DCP साउथ को सौंपी। वीडियो रावतपुर का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुहर्रम के उपरांत एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुई थी, जिसमें दर्शाया गया था कि 16-17 की रात के मध्य मुहर्रम के एक जुलूस में कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में परीक्षण किया गया और परीक्षण उपरांत थाना रावतपुर पर BNS और IT एक्ट की सुसंगत धाराओं में जुलूस के आयोजक और अन्य अज्ञात 50 लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरें जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।